हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक हैं? आज हम एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हैं। आज मैं मौजूद हूँ बानियोलेस में। बानियोलेस एक टाउन है, बार्सिलोना से तकरीबन 120 किलोमीटर की दूरी पर है। और आज हम यहाँ विज़िट करने आए हैं क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सी लेक है। आप ये मेरे सामने देख सकते हैं। जी, तो इस लेक का नाम है लेक ऑफ बानियोलेस। बानियोलेस एक्चुअली टाउन भी है, तो उसी टाउन के ऊपर जो है वो लेक का नाम है। और ये बहुत ही खूबसूरत लेक है। इसके इर्द गिर्द चारों तरफ पहाड़ हैं और उसके दरमियान ये खूबसूरत सी लेक है। आज मैं यहाँ पहुँचने में थोड़ी सी मुश्किल आई है लेक तक, क्योंकि जो टाउन्स के काफ़ी ज़्यादा रोड थे वो क्लोज थे ट्रैफिक के लिए, क्योंकि कोई लोकल साइकिलिंग रेस थी जिसकी वजह से कौंसिल ने काफ़ी ज़्यादा रोड्स काटे हुए थे। प्लस छुट्टी का दिन है आज, तो खैर हमने कुछ दूर जो है वो फाइनली पार्किंग मिल गई थी, तो हमने गाड़ी पार्क वहाँ की और वहाँ से फिर चलकर हम लेक की तरफ आ गए हैं। जी, तो कितना खूबसूरत सीन है ये। पानी का रंग कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है और पानी भी कितना साफ है कि आप पानी के नीचे जो झाड़ियाँ आपको वो भी दिखाई दे रही होंगी आई एम श्योर। ये लेक कातालुनिया की सबसे बड़ी लेक है। कातालुनिया का अपनी वीडियोस में मैं अक्सर जिक्र करता हूँ। कातालुनिया जो है बेसिकली सूबा है स्पेन का, और आज हम इस सूबे के एक ज़िले जिरोना में हैं, क्योंकि बार्सिलोना से ये काफ़ी दूर है तो ये बार्सिलोना का ज़िला नहीं है। आप यहाँ पर 1 घंटे की ड्राइव करके यहाँ पहुँच सकते हैं। आप यहाँ सारा दिन स्पेंड कर सकते हैं। अभी तो मैं लेक के एक हिस्से पे हूँ। ये काफ़ी बड़ी लेक है, काफ़ी पार्क्स बने हुए हैं साइड पे लेक के साथ साथ, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि काफ़ी ज़्यादा रोड कट थे तो इस वजह से थोड़ी मुश्किल हुई है। तो जिस हिस्से में हम पहुँच सके हैं तो वही हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस लेक की जो एवरेज डेप्थ है वो 15 मीटर है, ऑलमोस्ट 50 फीट, और मैक्सिमम डेप्थ इसकी कुछ जगहों पे 60 मीटर के राउंड अबाउट है, जो कि 200 से 205 फीट बनता है, तो काफ़ी गहरी है। ये तो हम किनारे पे खड़े हैं तो यहाँ पर आपको शायद बाज़ जगहों पे ज़मीन नज़र आ रही है, लेकिन काफ़ी गहरी लेक है ये। ये बतख पता नहीं कलाबाजियाँ लगा रही है पानी के अंदर, खैर इन्जॉय कर रही है वो भी। लेक के इस हिस्से पे ये कुछ रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं और लोग यहाँ पे बैठे अपना खाना पीना एंजॉय कर रहे हैं। ये देखें, सड़क के दोनों तरफ इन्होंने बैरियर्स लगाए हुए हैं और सड़क बंद की हुई है। जो साइकिल रेस है उसका रूट होगा ये इसी वजह से,
और ये कुछ लोग भी ब्लू किट में आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, कुछ लोग आके भी हैं, तो आई एम श्योर इन्होंने पार्टिसिपेट करना होगा रेस में, इसी वजह से ये इस किट में मलबूस है। जी तो वीडियो कैसी लग रही है आपको कमेंट्स में बताइएगा। उम्मीद है कि आप भी इंजॉय करें मेरे साथ। मौसम भी बहुत खूबसूरत है, गर्मी नहीं है, धूप नहीं है, क्योंकि आसमान पे काफ़ी क्लाउड्स हैं तो धूप हल्की सी आती है लेकिन फिर गायब हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर करें। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम किसी और टाउन में, किसी और जगह पे कतालुनिया की जो है वो वीडियो लेके हाजिर होऊंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।